नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स टाइम में आपका स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम आपको उन बॉलर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने करियर में एक भी नो बॉल नहीं करवाई। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी कर दीजिए प्रेस ताकि आप हमारे वीडियोस देखो सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, समय ना व्यर्थ करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आमतौर पर हर गेंदबाज से नो बॉल हो ही जाती है, चाहे वह स्विंग गेंदबाज हो या फास्ट। कई बार नो बॉल की वजह से मैच के नतीजे भी बदल जाते हैं और मैच फिक्सिंग करने का सबसे आसान तरीका होता है नो बॉल। कई खिलाड़ी नो बॉल के चलते मैच फिक्सिंग जैसे आरोपों में फंसे हैं, लेकिन कुछ ऐसे गेंदबाज भी हैं जिन्होंने अपने करियर में एक भी नो बॉल नहीं करवाई। जी हाँ, चलिए हम एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं। पहले आते हैं भारत के ऑलराउंडर कपिल देव। जी हाँ दोस्तों, कपिल देव ने अपने करियर में एक भी नो बॉल नहीं करवाई। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 1983 का वर्ल्ड कप भी जीता है। कपिल देव ने अपने करियर में 131 टेस्ट मैच और 225 ओडीआई मैच खेले हैं और इन मैचेस में उन्होंने 38,942 गेंदें फेंकी हैं और इनमें से एक भी नो बॉल नहीं थी। ये रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन जैसा है। दूसरे नंबर पर आते हैं इंग्लैंड के इयान बोथम। इन्होंने अपने 16 साल के करियर में 102 टेस्ट और 116 वनडे मैच खेले हैं। इन्होंने भी अपने करियर में एक भी नो बॉल नहीं करवाई। तीसरे नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के इमरान खान, जो कि पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने भी अपने करियर में एक भी नो बॉल नहीं करवाई। टेस्ट के 88 और वनडे के 175 मैच इन्होंने खेले हैं। अगले नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली। इन्होंने भी कभी नो बॉल नहीं फेंकी। अपने करियर में इन्होंने 70 टेस्ट मैच खेले हैं। अंत में आते हैं लेंस गिब्स। इन्होंने 79 टेस्ट मैच और केवल 3 ही ओडीआई मैच खेले हैं। इन्होंने भी अपने करियर में एक भी नो बॉल नहीं फेंकी। ऐसी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगली वीडियो में हम किसके बारे में आपको जानकारी दें। धन्यवाद।